हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेल्पफुल एजुकेशन। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एकेटीओ चैलेंज रिवीजन, आप कॉपी कैसे चेक करेंगे। जिसका भी यहाँ पर कॉपी शो नहीं कर रहा है, आपको कॉपी खोलने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको कैसे आप यहाँ पर चेक करेंगे, तो इसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करते हैं, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे। तो सबसे पहले आपको जो है एकेटीओ ईआरपी पोर्टल पर आ जाना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद सिंपली आपको जो है विजिट आईडी आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। यहाँ पर पासपोर्ट इंटर करके आई एम रोबोट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और सिंपली आपको लॉग इन का ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से आपको जो है लॉग इन कर लेना है। चलिए, लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप जो है एकेटीओ लॉग इन पेज पर आप जो है यहाँ पर जो है स्टूडेंट पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर सिंपली आपको जो रिवोल्यूशन डैशबोर्ड है, रिवोल्यूशन डैशबोर्ड के ऑप्शन में सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपके सामने इस तरह का रिवोल्यूशन डैशबोर्ड खुल जाएगा और यहाँ पर आप सारी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जिसका भी कॉपी यहाँ पर चेक नहीं हो रहा है, जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करना है, थोड़ा सा नीचे कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सिंपली आपको यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट वन आईडी एंड पासपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जो है वेबसाइट लिंक है, तो सिंपली आप इस वेबसाइट लिंक को यहाँ से आप कॉपी करेंगे और इसको जो है न्यू ब्राउजर में आप ओपन करेंगे। अगर आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो सिंपली आपको जो है डेस्कटॉप मोड को यहाँ पर ऑन कर देना है और वेबसाइट को ये जो लिंक है उसको आपको ओपन करना है। यूजर आईडी आपको यहाँ पर दिख रहा है, यूजर आईडी आपको सिंपली रोल नंबर आपको इंटर करना है। हो सकता है आपके केस में डिफरेंट हो, तो डिफरेंट आपको यूजर आईडी आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। फिलहाल मेरे केस में जो है रोल नंबर ही इसका जो है यूजर आईडी, तो ये आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखना है। उसके बाद सिंपली आपको पासपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, तो पासपोर्ट जो है 7 डिजिट का पासपोर्ट है, तो इसको आपको यहाँ पर जो है इंटर करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपली आपको यूजर आईडी, पासपोर्ट और ये जो लिंक है, तो सबसे पहले आपको जो है ये लिंक जो है लिंक को आप क्लिक करके ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली कॉपी करना है और न्यू टैब में आपको जो है ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर एकेटीओ चैलेंज रिवीजन का लिंक जो है ओपन करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का लिंक दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और वेबसाइट थोड़ा स्लो है, तो आपको जो है ट्रैक करना है, तो ये जो है आपके सामने दिख जाएगा और कॉपी भी आप आसानी से जो है चेक कर पाएंगे। तो सिंपली आप क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर्ड नंबर को आपको यूजर आईडी आपको यहाँ पर इंटर करना है, यूजर आईडी आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है और यहाँ पर को पासपोर्ट इंटर करना है। तो दोनों आपको सेम सेम आपको यहाँ जो है दोनों आपको जो है जो भी आप वहाँ पर देखे थे वही आपको जो है सेम बाय सेम आपको यहाँ पर इंटर करना है। रजिस्टर्ड नंबर की जगह आपको यूजर आईडी इंटर करना है, पासपोर्ट आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है और सिंपली आपको जो है स्टार्ट के ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपके सामने इस तरह का स्टूडेंट सेक्शन दिख जाएगा और यहाँ पर सभी डिटेल्स आपको ब्लैंक दिखेगा। ओके, ब्लैंक दिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर दिख रहा है कि स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट लॉगिन का है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू आंसर स्क्रिप्ट वन, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू आंसर स्क्रिप्ट वन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना। तो ये जो है एक से दो बार में ओपन नहीं होगा, तो अगर आप एक बार क्लिक करते हैं तो थोड़ा देर आपको वेट करना है। उसके बाद जो है फिर दोबारा क्लिक करना है, तो 2 से 3 बार आपको यहाँ पर व्यू आंसर स्क्रिप्ट आपको क्लिक कर लेना है। तो थोड़ा देर के बाद आपको सिंपली आपको 2 से 3 मिनट वेट करना है, आपका जो है यहाँ पर नेक्स्ट पेज जो है आपको दिखने लगेगा। तो उसके बाद सिंपली आपके सामने इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही व्यू आंसर शीट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। ये जो ऑप्शन है ये दूसरा ऑप्शन है, ये आपको अभी दिखाई नहीं देगा। सिंपली आपके सामने इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर जो है एवेल्यूशन टाइप में मेन मेन रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर एग्जाम नेम आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट का ऑप्शन MCA फेज 2 आपके केस में जो भी आ रहा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो जैसे ही MCA फेज 2 में यहाँ पर सेलेक्ट किया तो मेरे सामने ये जो है दिख गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यू आंसर स्क्रिप्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी कोर्स के लिए आप यहाँ पर जो है कॉपी के लिए आप चैलेंज मंगवाने के लिए आपको जो है 300 रुपये पेमेंट किए थे, उसका आपको सिंपली सिर्फ सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पर दिख जाएगा और सब्जेक्ट नाम किस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई किए थे ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सिंपली आपको व्यू आंसर स्क्रिप्ट है और यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड का ऑप्शन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है, सिंपली आपको जो इस पर क्लिक कर लेना। ओके, तो यहाँ पर जो है कॉपी डाउनलोड नहीं होगा, तो सिंपली आपको व्यू करना है। आप चाहे तो मोबाइल से फोटो ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आपको इस लिंक के ऑप्शन पर यानी कि व्यू आंसर स्क्रिप्ट का PDF फाइल पर आपको सिंपली क्लिक कर। चलिए, उसके बाद सिंपली आपके सामने इस तरह का कॉपी जो है दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो सिंपली आपको ये पेज ही नहीं शो कर रहा है, तो सिंपली आपको साइन आउट का ऑप्शन है, सिंपली आप इस पर क्लिक करके साइन आउट कर लेना है और फिर से आपको लॉग इन करना है। आपको अगर ये पासवर्ड पता नहीं है, इन केस आपको पासवर्ड चेंज करना है, तो सिंपली आपको चेंज पासवर्ड का यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके आसानी से आप यहाँ पर पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। चलिए,
आपको यहाँ पर जो इस सेक्शन में आ जाना है, यहाँ पर एग्जाम नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं किस कोर्स के लिए आप यहाँ पर जो है एग्जाम दिए थे, सब्जेक्ट दिख रहा है कि किस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर जो है आप चैलेंज के लिए अप्लाई किए थे, और यहाँ पर मेन मेन में आप देख सकते हैं कि आपको जो है आपको कितना मार्क्स मिला है, टोटल ये जो है मार्क्स कितना है। तो हो सकता है कि मार्क्स जो है मार्क्स कैलकुलेट करने में यानी कि प्लस करने में आपको यहाँ पर जो है कुछ रॉन्ग हो गया हो, तो ये आपको एक बार जो है चेक कर लेना है कि ये सभी डिटेल्स इसको आपको ऐड करना है, तो ये जो है आपका जो है मेन जो है मेन टोटल मार्क्स जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपको एक बार चेक कर लेना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं नंबर आपको जो है कैसे मिला है। यहाँ पर सेक्शन ए की बात कर लेता है, तो एक मतलब ए का ए मतलब सेक्शन ए, ओके ए का बी मतलब सेक्शन बी, यहाँ के मतलब ए का जे तक आप यहाँ पर सेक्शन ए जो है हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी में जो है 0.5 0.5 मतलब ये जो है एक आधा मार्क, मतलब एक मार्क का आधा कर दो तो हाफ मार्क जो है यहाँ पर मिला है। ओके तो ये आप देख सकते हैं सेक्शन ए जो है हो चुका है। उसका सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में जो है 2 का A 2 का B 2 का D, ओके तो ये आप देख सकते हैं ये सेक्शन ए हो चुका, सेक्शन ए है जिसमें जो है 2.5 मार्क्स मिला है। ओके तो ये जो है 3 से भी कम मार्क्स यहाँ पर जो है मिला। ओके तो इस तरह से आपको कॉपी चेक करना है। उसके बाद सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। ओके सिंपली आपको इसको जो है थोड़ा सा इधर करना है और यहाँ पर सेक्शन सी की बात कर ले। सेक्शन सी की बात करें तो 3 का A से लेके 7 का A ये सेक्शन बी हो गया, और इसमें जो है आप देख सकते 2.5 2 2 2 2.5। ओके इस तरह से मार्क्स जो है मार्क्स सिस्टम आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और सभी को ऐड करने के बाद जो है मेरा जो 23.50 हो रहा है। अगर आपके केस में नहीं हो रहा है तो इसके लिए भी आप यहाँ पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर मार्क्स में हो सकता है कि कुछ से त्रुटि हो या फिर जो कैलकुलेट करते समय ये जो है कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो आपके केस में अगर ये आ रहा है तो सिंपली आपको जो है फेस 2 के लिए जो फॉर्म आएगा इसमें भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं। ओके जैसे ही फॉर्म आएगा आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, आपको ₹2500 पेमेंट करने के बाद आप कॉपी के लिए आप कैसे चैलेंज करेंगे। चलिए तो यहाँ पर जो है सिंपली आपके सामने इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको टोटल मार्क्स आपको हम कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको जो है चेक कर लेना। ओके तो यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ए जो है सेक्शन ए ये हो गया, सेक्शन बी ये आपको दिख रहा है सेक्शन बी, उसके बाद सेक्शन सी, ये जो सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है 10 10 मार्क का होता है, और सेक्शन ए जो है सिंपली यहाँ पर जो है 2 मार्क्स का होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको कॉपी कैसे देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको होम पेज आपको दिख रहा है, ये आपको होम पेज दिख रहा है, तो ये जो फर्स्ट पेज है प्रीव्यू पेज है। ओके तो आपको क्या करना है सिंपली आपको नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो नेक्स्ट के ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज नहीं आएगा, कम से कम 2 से 3 4 5 बार आपको ट्रैक करना होगा। आपका नेट जो है स्पीड तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, आप चाहे तो आप 5G आपका सपोर्ट हो तो अच्छी बात है, और आपको जो है बार बार ट्रैक करना है, इसके बाद ही आपका यहाँ पर कॉपी खुलने वाला है, नहीं तो नहीं खुलने वाला। नेक्स्ट पर आप ट्रैक करेंगे प्रोसेसिंग होगा, फिर ये जो है होम पेज पर ही रहेगा, उसके बाद फिर से ट्रैक करना है, मतलब 4 से 5 टाइम्स आपको यहाँ पर जो है ट्रैक करना है, उसके बाद ही आपका पेज जो है आपका कॉपी जो यहाँ पर दिखेगा। चलिए उसके बाद आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर लास्ट पेज पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लास्ट पेज पे जा सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पेज पे जाना है, मान चलिए आपको आपको 22 पेज पे जाना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर जो है 22 आपको इंटर करना है, गो का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आप सिंपली 22 पेज पर आप पहुँच जाएंगे। ओके तो इस तरह से आपको यहाँ पर कॉपी चेक करना है। अगर कॉपी नहीं ओपन हो रहा है तो आपको बार बार ट्रैक करना है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक नहीं करना है तो व्यू आंसर शीट इस पर आपको जो 5 से 10 बार आपको ट्रैक करना है इस पर क्लिक करना है। ओके क्लिक करेंगे तो आपका आपका पेज जो है यहाँ पर खुल जाएगा, तो इस तरह से आपको कॉपी चेक कर लेना है। ओके तो फिर भी आपको मानो किसी प्रकार डॉट हो कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो के लाइक और उस तरह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर करते जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें। थैंक